तेरी अमृत वाणी प्रभु जी मैं समझी कहानी। सुन तेरी अमृत वाणी प्रभु जी मैं समझी कहानी। सुन तेरी कहानी। सुन तेरी अमृत वाणी प्रभु जी मैं समझी कहानी। मेरे अंदर बाहर बसदा मेरे अंदर बाहर बसदा की खेल कलोला करदा। मैं सतगुरु तेरे कोलों मैं दाता तेरे कोलों एक नाम पदारत मंगा। मैं सतगुरु तेरे कोलों मैं दाता तेरे कोलों एक नाम पदारत मंगा। मैं जोगन बन के तेरी मैं दासी बन के तेरी कोई रंग निराला रंगा। मैं दासी बन के तेरी मैं जोगन बन के तेरी कोई रंग निराला रंगा। मैं सतगुरु तेरे कोलों मैं दाता तेरे कोलों एक नाम पदारत मंगा। मैं सतगुरु तेरे कोलों मैं दाता तेरे कोलों एक नाम पदारत मंगा। सतगुरु तेरे बोलो मैं
दाता तेरे बोलो मैं दाता तेरे बोलो एक नाम पदारथ मंगा एक नाम पदारथ मंगा मैं जोगन बन के तेरी मैं जोगन बन के तेरी मैं दासी बन के तेरी मैं दासी बन के तेरी कोई रंग निराला रंगा कोई रंग निराला रंगा सतगुर तेरे बोलो मैं सतगुर तेरे बोलो एक नाम पदारथ मंगा एक नाम पदारथ मंगा एक नाम पदारथ मंगा एक नाम पदारथ मंगा मन के अंदर जाती हुई भावनाओं का ये जो लहरें हैं ये डुबा देती हैं हमको। भव जल, बहुत बार लोग सोचते हैं कि पता नहीं मरने के बाद कोई सागर है जिसको भव जल कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ही मन में उठती हुई भावनाओं की लहरों में हम खुद डूब जाते हैं। इन भावनाओं में मैं डूबू नहीं, तुदबाजो केड़ा तारे, तेरे बगैर मुझे कौन तार सकता है। मैं दाता अर्ज इमंगा, कैसे कैसे मैं अपनी भावनाओं से प्रभावित नहीं हूं। भावना मतलब कभी चिंता, कभी शोक, कभी भावना है कल क्या होगा, कभी भावना है कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाए, कभी भावना अरे कोई मेरा मर तो नहीं जाएगा, प्यारा कोई मर तो नहीं जाएगा। भावना, चिंता, फिक्र कि ये जो भावनाएं हैं ये मन को डुबाती रहती हैं, ये मन को डुबाती रहती। मैं इससे पार निकल जाऊं कैसे? कोई चीज मुझे मेरे मन को परेशान न करे। कैसे मैं इस स्थिरता को प्राप्त हो जाऊं, कैसे इस स्थिरता को मैं प्राप्त हो जाऊं, यही प्रार्थना करती हूं। और तेरी अमृत वाणी सुनूं, पढ़ूं और मुझे ये मालूम हो जाए कि मेरे अंदर बाहर तुम कैसे हो परमात्मा, बस यही तो जानना चाहती हूं। अब देखिए, आपने सारी जिंदगी ना दुनिया की चीजें मांगी, सारी ना भी मिली हो कुछ तो मिली गई, कुछ तो मिली है। एक ने कहा, हाँ जी हमने अखंड पाठ कराया था, हमारा पीआर हो जाए, हो गया है, और तुम क्या मांगोगे? यही तो बात मैं कह रही हूं, दुनिया की चीजें ही तो मांगते हो हमेशा। और तुम ये भूल गए कि यहां दौड़ते सब हैं सोच के कि हम मंजिले मकसूद पहुंचेंगे, पर होता यह है कि वो सिर्फ खाली हाथ यहां से निकल जाते हैं। मंजिलों में कौन पहुंचा? और जो मंजिलें बना भी लेते हो मकानों की, वो तो यहीं की यहीं रह जाती, तो कहां पहुंचे आप? तो ये जिंदगी का सिलसिला कहीं पहुंचने का नहीं, ये जिंदगी का सिलसिला तो मौत का काफिला है। नंबर लगा है, कोई पहले निकल गया, कोई बाद में, कोई बाद में, कोई बाद में, कोई बाद में। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं? क्या सिर्फ भटकने के लिए हम आए हैं इस दुनिया में? खाली मैं मेरी करके मन के फसावड़े बनाने के लिए आए हैं यहां पर? पर अभी हो तो यही रहा है। तो ये जो भजन है ना, ये तुमको प्रार्थना करना सिखाता है कि बेवकूफ मांगो क्या, पहले ये तो सीख ले।
It's very dangerous. Because if you don't know what to ask for, then you might ask something which is a sheer disaster for you. And yet you are asking that I need this, I want this. So you learn to ask also. Ask wisely. Don't just ask anything. क्या मांगो वाणी में बहुत सुंदर एक शब्द आता है क्या मांगो किछ थिर ना रहाई देखत नैन चलियो जग जाई क्या मांगो परमात्मा मेरे आंखों के सामने जो तेरी चीजें बनी है वो तो टूटती जा रही हैं मिटती जा रही मरती जा रही क्या मांगू मैं कुछ तो टिकने वाला नहीं टिकने वाला सिर्फ एक है वो है खुद परमात्मा हाँ उसको तो तुम कभी मांगते नहीं हो मुझे याद आ रहा है एक बार मैं एक महाराज जी के पास बैठी थी तो एक फैमिली आई तो आके कहते महाराज आशीर्वाद दो हमारा बच्चा बड़ा बीमार रहता है बड़े अस्पतालों में गए हाँ तो आप आशीर्वाद और महाराज जी तो किसी को ना देखे ना बोले अपनी मस्ती में रहते अब वो माई बोली जाए बोली जाए बोली जाए महाराज आशीर्वाद दो बच्चा बड़ा बीमार रहता है मैं पास ही बैठी थी मेरी ओर देख के कहते हैं मेरे को 4 दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ डॉक्टर कल भी आया था देखने के लिए मतलब डोंट आस्क मी दीज स्टूपिड क्वेश्चंस ही वाज अ वेरी वेरी नाइस एंड पोलाइट पर्सन सो ही नेवर सेड रूडली टू हर दैट शट अप डोंट से दिस So he is having conversation with me and he said, मैं तो खुद 4 दिन हो गए बुखार चढ़ा है रात में डॉक्टर आया था डॉक्टर ने कहा ठंड लग गई है मतलब ये उसका तरीका था ये कहने का कि मैं खुद बीमार हूँ तो मेरे से क्या पूछ रही कि मेरा लड़का बीमार है ये बात मेरे से मत पूछ एक और बात सुनाती हूँ ये जलंधर की बात है किसी प्रेमी ने बताई कहते वो नगज्जे महाराज बैठते थे तो वहाँ पे संगत ज्यादा नहीं थी बाहर चारपाई में ही महाराज बैठे हुए थे एक आया बंदा वो कहता है महाराज जी आप ना अपने हाथ से मेरी भैंस को आटे का पेड़ा डाल दो दूध बड़ा कम देती है अब बताओ एक ब्रह्मवेत्ता से जाके कोई बोल रहा है मेरी भैंस को आटे का पेड़ा डाल दो वो बड़ी बीमार रहती है और दूध बड़ा कम देती है अब वो एक बार बोला दो बार बोला तीन बार बोला तो चौथी बार हार के महाराज कहते हैं कहते भाई सुनया जे तू कहना है तो मैं पात देंगा पर मैं पिछे सज्जन सिंह की भैंस नु पाया सी तूने दूध परमानेंट बंद करता देना कहते हम तो सन्यासी हैं सन्यासी को जहां बुलाओगे काम बंद ही होना वहां तो कहते अच्छा फिर कदों आवा पाण वास्ते वो बंदा जवाब नहीं दिया वो बंदा भाग गया वहां से अगर आपके हाथ से आटा खा करके भैंस पक्का ही दूध देना बंद कर देती है तो मैं पागल थोड़ी हूं कि आपके हाथ से दिलवाऊंगा क्या मांगना चाहिए लोगों को पता ही नहीं क्या प्रार्थना में कहना चाहिए लोगों को ज्ञान ही नहीं है इस बात का भी इसलिए ये जो भजन है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए क्योंकि देखो इसमें बड़ी प्यारी सी बात है आई नो अभी तुम लोग उस चीज के लिए तो तैयार नहीं हो पर चूंकि मैं तैयार थी ना इसलिए मैं कहती थी मैं जोगन बन के तेरी कोई रंग निराला रंगा हमें तो जोगी बनने का शौक चढ़ा हुआ था ना तो इसलिए ये इसमें लिखा मैं जोगन बन के तेरी कोई रंग निराला रंगा ऐसे तो 4 पैसे का रंग आता है कोई भी रंग ले जोगिया पहन ले इसलिए कहा निराला रंग रंगे वही नहीं खाली रंग नहीं खाली बाहर कपड़े वाला रंग नहीं चाहिए कोई निराला रंग लग जाए तेरी कृपा हो जाए तेरी मेहर हो जाए ए दाता तेरे से मैं मांगती हूँ बस एक क्या एक नाम पदार्थ मंगा तेरे से नाम चाहती हूं अब तेरे नाम का रंग अंदर लग जाए तो ये असली जोगन होने का मेरा इंतजाम हो जाए तो मैं तेरी जोगन बन के ये निराला रंग ये सुंदर रंग में रंग लूं ये प्रार्थना है
तो आपको अगर बात मेरी समझ लगी हो तो गाते रहना इसको, और यही प्रार्थना करते रहना दिन में भी रात में भी, क्या पता तेरी सुनवाई हो ही जाए, क्या मालूम। उल्टी सीधी चीजें दुनिया की मांगी तुमने, वो भी तो मिली है ना, अच्छी अच्छी चीज मांगो, हो सकता है ये भी मिल जाए, राइट। मांगना मांगन निका हर जस गुरते मांगना, मांगे तो क्या मांगे, बोले हम हरि का जस कैसे गाए, हमारी वाणी हमारा मन हमारी बुद्धि हमारे प्राण प्रभु की स्तुति में कैसे लग जाएं, बस हम तो यही मांगते। कल मैं सोचती हूं कि ये जो शब्द है वाणी का, कल इसी शब्द के साथ ही कल का सत्संग भी चलेगा, और थोड़ा सा कल नाम अभ्यास भी करा देते हैं, क्योंकि पता नहीं ना भाई तुम तो डॉलरों के पीर हो तो डॉलरों के पीर जो है ना, वो कहते हैं जी यहीं आके सुना जाओ जो सुनाने, हम नहीं आने वाले पीछे आपके, है तो बड़ी गलत बात। तो चक्कर ये है यहां आ गई, ये भी तो गलती ही है ना, फिर उसी हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो ये भी गलती है, पर चूंकि आ गए हैं तो तुम में कोई तो है ना जो सच से खोजते हैं, जो सच में प्यार करते हैं, जो सच में इस राह पे चलना चाहते हैं। तो मैं उन प्रेमियों के लिए कल थोड़ा नाम स्मरण में बैठाएंगे भी आपको, वो भी करेंगे और इस शब्द को विचार भी करेंगे जो महाराज ने दिया है हमें वाणी में, कि क्या मांगना चाहिए, मांगने के भी क्या तरीका होनी चाहिए। कल इस विषय के साथ शुरुआत करेंगे। इतना ही कह के वाणी को विश्राम। आप सबके अंदर बैठे प्रभु प्यारे को मेरे बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, प्रभु प्रणाम स्वीकार करें।